हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं वाइल्डी और ये आप लोगों का वाइल्डी फिजिक्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आज बहुत जरूरी बात करने वाले हैं हम सभी को, बहुत जरूरी बात जिसका सीधा संबंध ऑलमोस्टली आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। आज का थंबनेल जो आपने पढ़ा है, क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कैसे करें, बिकॉज पढ़ते तो सभी कोई है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का मार्क्स अच्छा नहीं आता है। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्टली एवरेज जैसे ही पढ़ते हैं लेकिन फाइनल एग्जाम में तहलका मचा देते हैं। तो आखिर कौन सा वो की पॉइंट है कि कुछ बच्चे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं? कहीं उसमें से एक आप भी तो नहीं जो कि काफी ज्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन काफी पढ़ाई काफी एफर्ट लगाते हैं, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट एक एवरेज बच्चों के जैसा ही रहता है, ठीक है? तो कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आपके इतने एफर्ट लगाने के बाद भी, इतने मेहनत करने के बाद भी आप एक अच्छे स्कोरर नहीं बन पा रहे, रैंक में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? तो आज का हम लोग का ये टॉपिक जो है, आज का जो ये वीडियो है, पूरा का पूरा इसी पे आधारित है कि क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है? चैनल को एकदम सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? तो आज का सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है बाबू, तो देखो, ठीक है, 12वीं कक्षा की तैयारी कैसे करें, 12वीं कक्षा की तैयारी कैसे करें, ठीक है? कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा इसे शुरू स्टार्ट करने से पहले। एक दो कोटेशन हमने पढ़ा था कि नेवर जज ए स्टूडेंट बाय हिज मार्क्स, ठीक है? हमने एक ये लाइन पढ़ा था हमने कहीं पे, ठीक है, काफी फेमस लाइन कि नेवर जज ए स्टूडेंट बाय हिज मार्क्स। किसी भी स्टूडेंट को उसके मार्क्स से नहीं जज करना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को उसके मार्क्स से कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। लेकिन मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है? और उस दिन मान लीजिए कि पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे का या वर्मा जी के बेटे का या गुप्ता जी का बेटे का, और मान लीजिए एग्जाम में आता है सपोज कीजिए 90%, और उस समय भगवान ने करे आपका आता है 55%, तब आपको मिलेगा तानों का एक दौर, आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, आपको शर्मिंदगी महसूस होगा। उस समय हम लोग कैसे बोलेंगे कि नेवर जज अ स्टूडेंट बाय हिज मार्क्स, ठीक है? हम खुद बोलते हैं कि एक स्टूडेंट्स को मार्क्स से नहीं जज करना चाहिए, लेकिन आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सो मच, वैसा नहीं है एजुकेशन सिस्टम। मार्क्स मैटर करता है, बिल्कुल करता है, और नहीं करता है तो आप हमको बताइए कि किसी भी रिजल्ट के अगले दिन पेपर के फ्रंट पेज में सिर्फ 10 ही बच्चों का क्यों नाम आता है, स्टेट टॉपर कोई बन जाता है स्टेट टॉपर, और कोई बन जाता है लूजर एकदम कि यहीं पे एक नीचे से नाम रहता है, कोई बनता है स्टेट टॉपर। मान लीजिए यदि आप झारखंड राज्य से, तो झारखंड टॉपर, या कहीं भी किसी भी राज्य से है तो उस राज्य के आप टॉपर बन जाइएगा। तो सिर्फ आप ही का नाम आएगा, आप ही का फोटो आएगा, और बाकी बच्चों का फोटो नहीं आता है। और बोला जाता है, क्यों नहीं बोला जाता है, ठीक है, कि नेवर जज ए स्टूडेंट बाय हिज मार्क्स। यदि मार्क्स की अहमियत नहीं रहता तो क्यों पेपर के फ्रंट पेज पे सिर्फ 10 ही बच्चा का नाम आता, लाखों बच्चा परीक्षा देते हैं लेकिन सिर्फ 10 बच्चों का नाम आता है, ऐसा क्यों? मार्क्स मैटर करता है, मेरा नाम भी आया था इसलिए मैं बता रहा हूं, मार्क्स मैटर करता है। 2013 में, 2013 में, ठीक है, मेरा नाम आया था। और मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला पल है, लाइफ टाइम का पल होता है, जिस दिन आप सारे विद्यार्थियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ऊपर जाएं। मैं भगवान से कामना करता हूं कि एक दिन आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक दिन आप जरूर से जरूर पढ़ाई में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। मैं भगवान से, ईश्वर से ही आपके लिए कामना करता हूं, ठीक है? वीडियो यदि आपको शुरू से ही अच्छा लग रहा है तो अभी ही लाइक ठोक दीजिए, ठीक है, जरूर से जरूर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्क्स लाए कैसे। देखो, तेज और कमजोर कोई नहीं होता, मैं बताता हूं आपको, ठीक है? एक टॉपर बच्चा जो टॉपर होता है, ठीक है, टॉपर के पास भी 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, उसके पास भी आपका 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, दोनों के पास 24 आवर्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ये बन जाता है टॉपर और क्यों ये एक नॉर्मल स्टूडेंट रह जाता है, क्यों ये टॉपर बन जाता है और ये क्यों एक नॉर्मल स्टूडेंट रह जाता है।
ठीक है, ये आने वाले टाइम में किसी दिन काफी ऊंचे ओहदे पर आता है, ये किसी नॉर्मल कहीं पर भी जॉब कर रहा होता है या किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी काट रहा होता है, ये 24 घंटे का सदुपयोग आप कैसे करके करते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप जितना ज्यादा टाइम अपने पढ़ाई को देंगे इसका रिटर्निंग आपको आने वाले समय में उसी रूप में मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए कोई टाइम नहीं होता है, कोई मूड नहीं होता है। यदि मूड करके पढ़ाई करने बैठते हैं तो मतलब अभी भी आप सफलता से काफी ज्यादा दूर हैं। अभी आपको यदि मतलब मान लीजिए मूड बनाना पड़ रहा है, टाइम बनाना पड़ रहा है, कोई बहाना खोजना पड़ रहा है, तब हम पढ़ेंगे, होमवर्क मिला है तब हम पढ़ेंगे, ये करना है वो करना है तब हम पढ़ेंगे, तो अभी आप जान लीजिए आप बहुत ज्यादा दूर है एक्सट्रीम सक्सेस से। ठीक है, आपका मूड नहीं डिसाइड करेगा कि आप कब पढ़ेंगे और कब नहीं। जिस दिन आपका मूड हार जाएगा और आपका जुनून और आपका जोश और आपका जज्बा जीत जाएगा, उस दिन आप सफल होने स्टार्ट हो जाइएगा। ठीक है, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। गौर कीजिएगा, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। ठीक है, इतिहास हमें पढ़ेगा, हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। और एक दिन हम लोग ऐसा करेंगे, वी शैल ओवरकम वन डे, हम होंगे कामयाब एक दिन। पढ़ना है, लड़ना है, जुनून का आग सीने में होना चाहिए, एकदम जरूर से जरूर सक्सेसफुल होंगे एक दिन। बस कोई एक रीजन होना चाहिए पढ़ने के लिए, कोई एक रीजन होना चाहिए पढ़ने के लिए, क्यों पढ़े, क्यों सक्सेसफुल होना है। ठीक है, किसके लिए सक्सेसफुल होना है, एक विजन, एक क्लियरिटी होना चाहिए। और जिस दिन आपको क्लियरिटी मिल जाएगा और आपके अंदर एनर्जी रहेगा, पक्का उसी दिन आपका सक्सेस का द्वार खुल जाएगा। हो सकता है कोई दिन खराब हो, ठीक है, गिरने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन बार बार गिर के जो उठता है वही सिकंदर कहलाता है। ठीक है, वही एक योद्धा कहलाता है। तो उसी भांति आपको भी पढ़ना है, नींद आलस्य चैन सब कुछ त्याग देना है और बस पढ़ना है तो पढ़ना है। एक क्लियरिटी लीजिए, आज से डिसाइड कीजिए आपको कितना परसेंट लाना है, क्या टॉप करना है, स्टेट में टॉप करना है, स्टेट का रैंक होल्डर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, कोई एम को डिसाइड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और मैं बताता हूँ किसी न किसी दिन आप मुझे जरूर याद करेंगे। ठीक है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, जरूर से जरूर उसको गेन कर लीजिए। तो आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है 12th क्लास का तैयारी कैसे करें। ठीक है, 12th क्लास का तैयारी कैसे करें, तो आइए इस पे देखते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमें जानना है कि 12th क्लास का तैयारी कैसे करना है। ठीक है, 12th क्लास का तैयारी कैसे करना है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ टॉपिक लिख दिया है, क्लास 12th की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो जैसे हम लोग को, मैं आपको बता दूं, यूनिट 7 कंप्लीट हो चुका है, तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा ना बाबू कि यूनिट 7 में अलग अलग साल कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं यूनिट 7 में, कौन साल कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए एकदम टाइट करके अपने दिमाग को सोचना है। ठीक है, कि हम लोग को कैसे तैयारी करना है, तो मैं अभी आपको बताने जाऊंगा कि क्लास 12th के लिए आपको तैयारी करना है तो आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। एक आइडिया मिलना चाहिए कि आखिर इतना दिन जो हम लोग पढ़े, इतना दिन जो हम लोग इस यूनिट को पढ़े, तो इसका तैयारी कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा और प्रॉपर सॉल्यूशन कितना ज्यादा लिखेंगे कि हम लोग को मार्क्स मिलेगा। तो चलिए अभी जल्दी से सभी कोई कॉपी और पेन निकालिए, जल्दी से अभी सीखेंगे, कॉपी और पेन निकालिए, हम आपको अभी थोड़ा सा समय देते हैं, कॉपी और पेन निकालेंगे सभी बच्चे। अभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ बताऊंगा, आप भी उसका आंसर करेंगे। फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल के बैठिए और आइए साथ मिल के पढ़ते हैं और जानते हैं। एनर्जी पसंद आ रहा होगा तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करने में आप मेरा मदद कीजिए, आपका मदद ही मेरा पावर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले झारखंड बोर्ड में, गौर कीजिएगा, जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड बोर्ड में 2018 में इस यूनिट से जो क्वेश्चन आया था, तो तैयार है आप लोग जानने के लिए। ठीक है, तो इस यूनिट से पहला क्वेश्चन आया था, गौर कीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, समय दूंगा और तुरंत आपको भी साइन करना है, कॉपी पेन से लेके बैठना है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है कि मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, मतलब यदि
किसी फोटोन का, सपोज कीजिए यदि फोटोन का ठीक है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फोटोन का ठीक है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी बराबर दिया हुआ है न्यू, तो देन मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा? और इसके लिए मैं आपको अभी चार ऑप्शन देना चाहूंगा। पहला है एच न्यू, दूसरा है एच न्यू बाय सी, और तीसरा है ठीक है एच सी बाय न्यू, और चौथा है एच सी न्यू। मान लीजिए यदि ये क्वेश्चन ठीक है आपको फिर से आ जाता है, यदि कोई पार्टिकल है मान लो फोटोन है, उसका मोमेंटम आपको निकालना, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू और आपको चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच बाय पी, पता है ना सबको, पढ़ाए थे हम दो दिन पहले, वीडियो जाके देख सकते हैं, लैम्डा बराबर एच बाय पी, और पी निकालना है तो पी बराबर हो जाएगा क्या एच बाय लैम्डा, पी बराबर हो जाएगा एच बाय लैम्डा ठीक है। तो अब देखो एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, तो पी बराबर हो जाएगा एच बाय, देखो यहां से लैम्डा है, तो यहां से जैसे न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं लैम्डा बराबर सी बाय न्यू, तो यहां जाएगा सी बाय न्यू, डिवाइड बट्टा का बट्टा है तो यहां से जाएगा एच सी बाय न्यू ठीक है, या यहां पर थोड़ा गलत है ठीक है, यहां हो जाएगा एच न्यू बाय सी, देखिए यहां से ये ऊपर चला जाएगा और जाएगा एच न्यू बाय सी, तो एच न्यू बाय सी ये होगा इसका आंसर। ये था फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन, एक बार और गौर कीजिएगा, यदि किसी फोटोन का फ्रीक्वेंसी है न्यू, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन बता रहे, तो ध्यान से ठीक है सीखिए, मेरे वीडियो को फिर से पीछे कर करके देखते जाइए, यदि किसी फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू ठीक है, और हम लोग उसका मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम को किस चीज से डिनोट करते हैं पी से ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं लैम्डा बराबर एच बाय पी, लैम्डा बराबर एच बाय पी, फाइनल का क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा तैयारी हो रहा है आपका ड्यूअल नेचर का, समझ जाइए पूरा अभी ही तैयारी हो जा रहा है ठीक है, तो लैम्डा बराबर एच बाय पी, तो पी बराबर एच बाय लैम्डा ठीक है, और फॉर्मूला होता है न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, तो यहां से हम लोग इसको ऊपर की जगह लैम्डा बराबर सी बाय न्यू, तो पी बराबर एच बट्टा लैम्डा, तो लैम्डा की जगह देखो क्या लिखे हैं सी बाय न्यू, बट्टा का बट्टा है एच न्यू बाय सी, इसका सही आंसर होगा सी। क्या आप लोग सीखे हैं सही से बताइए, सीखे कि नहीं सीखे, और नहीं सीखे तो एक बार और देखिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू और मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते पी से, तो लैम्डा बराबर होता है एच बाय पी ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पी बराबर एच बट्टा लैम्डा, ये ऊपर गया और ये यहां से नीचे आया, पी बराबर एच बट्टा लैम्डा ठीक है, और लैम्डा बराबर क्या होता है सी बाय न्यू, तो पी बराबर एच बट्टा, यहाँ पर लिख देंगे सी बट्टा न्यू, बट्टा का बट्टा है एच न्यू बाय सी, ये आपको हो गया पहला क्वेश्चन 2018 का ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा था ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था, इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या समझिए क्वेश्चन कुछ और पूछा था ठीक है, कि मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट हो रहा, फाइनल का क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब यही सब क्वेश्चन आया था फाइनल में ठीक है, तो ऐसा ही आपको अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। देखिए कुछ क्या करना है, स्टेप टॉप करना है आपको अपने लिए, खुद के लिए, फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए ठीक है, माता पिता के सपनों के लिए आपको टॉप करना है, मेरा शुभकामना आपके साथ है ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होने के बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी एक्सपेरिमेंट में ठीक है आपको दिया हुआ है कि किसी एक्सपेरिमेंट का थ्रेशोल्ड वोल्ट या कहिए कि कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, या इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ये वी नॉट दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है कितना होगा, इट मीन्स टू से दैट काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, आपके सामने चार ऑप्शन है ठीक है, चार ऑप्शन मैं लिख देना चाहता हूँ, 1 × 10⁻¹⁹ जूल ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी है आपके पास 4.6 × 10⁻¹⁹ जूल, फाइनल का क्वेश्चन हुआ, खुद के प्रेस्टीज के लिए पढ़ना है और इस क्वेश्चन को हम आपसे सॉल्व करवाना चाहेंगे ठीक है। थर्ड ऑप्शन एंड द डी ऑप्शन इज 2.4 × 10⁻¹⁹ जूल। अब सुनिए ध्यान से,
आपको वी नॉट दिया हुआ है 1.5 वोल्ट और हाफ एमवी स्क्वायर पूछ रहा है। आपका मदद करने के लिए हम फॉर्मूला बताएंगे, आपका मदद करने के लिए हम फॉर्मूला बता देते हैं। हाफ एमवी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट, जहां पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी नॉट आपको दिया हुआ है। 10 सेकंड का टाइम देंगे हम आपको, सॉल्व करके तुरंत बताइए। 10 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको, सॉल्व करके तुरंत बताइए। स्पीड करिए, चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, हाफ एमवी स्क्वायर निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है ई वी नॉट आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं फिर तो पूरा हो जाएगा ना। चलिए कैलकुलेशन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दैट्स ऑल। इसका सही आंसर होगा सी। यदि आपका आंसर है सी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। सर सी कैसे आया? तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5। इसको इससे जब आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 × 10⁻¹⁹, हाफ एमवी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इसका यूनिट जूल। बिल्कुल सही, ठीक है, सीखे आप लोग बिल्कुल सही से। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार, और फाइनल में पूछा था, टॉप करना है, स्टेट टॉप, बार बार बता रहा हूँ, कॉपी में लिख के रखो, ठीक है, कि मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं स्टेट टॉप करूंगा, रैंक में आऊंगा, अपने लिए आऊंगा, घर वालों के एक्सपेक्टेशन के लिए आऊंगा, ठीक है। लड़ना है कुछ एकदम बहुत हार्ड तरीके से खुद के लिए, कुछ सोच के रखो, पक्का करोगे, हमको तुम पे भरोसा है, इस वीडियो को देखने वाले हर बच्चे पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, ठीक है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 2018 में। ये दो क्वेश्चन हमने आपको बताया, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है 2018 में जो जैकपॉट में पूछा गया था, ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर डी ब्रॉगली मैटर वेव। अब आप हमको बताइए, मेरे वीडियो जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं, क्या आपको मैटर वेव आता है कि नहीं आता है, सोच के बताइए, क्या ये नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं भाई, कल भी सुने थे यदि आपने वीडियो देखा होगा तो। ये मैटर वेव आपको पता है, ये हमने आपको नोट डाउन भी करवाया था, यहाँ पे ये पूछा गया था मैटर वेव क्या होता है, और एक न्यूमेरिकल्स, वैसे बच्चे जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट टू चाहते थे, बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि सर मुझे न्यूमेरिकल्स का पार्ट टू चाहिए, तो इसमें एक न्यूमेरिकल मैं आपको ऐड कर देता हूँ जो जैक बोर्ड ने भी पूछा था। जैक बोर्ड ने पूछा था कि एक फोटोन है जिसका मोमेंटम आपको दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है 2.55 × 10⁻¹⁵ kg/s। ये आपको मोमेंटम दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, कौन बनाएगा इसको, कौन बनाएगा इसको बताइए, कैसे बनेगा ये? ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज मैटर वेव, ये तो तुम लिख लोगे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल है फोटोन का, मान लीजिए मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, और उसका आपको वेवलेंथ निकालने बोल रहा है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन तुमको तुम्हारे सफलता के द्वार तक पहुंचाएगा, ठीक है। जो जिसने नहीं देखे हो तो पूरा मेरा लेक्चर को देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक, ये पूरा यूनिट आप इतना अच्छा से सीख जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, अभी पढ़िए फिर एक ही बार एग्जाम टाइम पढ़िएगा, ठीक है, पक्का। यही एक यूनिक ट्रिक है मेरा, एक बार में आपके दिमाग में पक्का हर चीज को स्टेबल कर देना, इंस्टॉल कर देना, ठीक है। तो आप बताइए, एक चीज बताइए, एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, लैम्डा बराबर एच बाय पी पढ़े हैं ना, सभी को पढ़े हैं, और एच का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻¹⁴, और पी का वैल्यू होता है 2.55 × 10⁻¹⁵। आप इसको सॉल्यूशन करिए, जो भी आएगा इतना मीटर आपका हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये था आपका 2018 का पूरा सिलेबस, ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया था। तो अब आप बताइए, आपका तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, आपका आंसर हाँ है, हमको पता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 2017 की ओर, कि 2017 में, ठीक है, क्या पूछा गया था। इतने अच्छे तरीके से कोई आपको तैयारी नहीं करवाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतने अच्छे तरीके से इस लॉकडाउन के अंदर भी पढ़ा भी देना यूनिट और तैयारी भी करवा देना, नोट्स भी प्रोवाइड करवा देना, आपके हर कदम में आपके साथ है, बस आप सक्सेसफुल होइए। अब बोलिए सर आप क्यों इतना ये कर रहे हैं, बिकॉज हम हर स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हम खुद एक स्टूडेंट है, ऐसे मान लीजिए, हाँ हम एक स्टूडेंट, ठीक है, और आपकी सफलता मेरी सफलता, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि 2017 में क्या पूछा गया था। 2017 में पूछा गया था कि
एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन आपको आशा है कि मेरे हर प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर बता पाएंगे। हमको भरोसा है तुम सभी को पे, मेरे भरोसे को मत तोड़ना यार, ठीक है। ये क्वेश्चन सब कोई बता देगा सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में, कि बताओ एनर्जी का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, एनर्जी का सही सही फॉर्मूला इसमें से कौन वाला है, एनर्जी का सही सही फॉर्मूला कौन वाला है। जीत लाओ माइंड को रिकैप करो, इसके बारे में पढ़ चुके हो, सिर्फ 10 सेकंड देते हैं और हम आंसर टिक कर देंगे, तुम देखना कि तुम्हारा सही है कि नहीं है, एकदम लाइव क्लास जैसा है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यह है सही आंसर। E बराबर SC बाय लैम्डा। और यदि आपने इसको सही किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऐसा पढ़ने के लिए, ठीक है। जोश के साथ पढ़िए, वीडियो को स्किप करने का एकदम गलती नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, देखते जाना है, सीखते जाना है और रिवाइंड कर करके देखिएगा। यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी हो जा रहा है तो फिर से रिवाइंड कर करके देखिए, बस स्टॉप करना है और पढ़ना है, ठीक है। बहुत कोई अभी पता है, बहुत कोई बोलते क्या है कि यार मार्क्स उस कुछ मैटर नहीं करते, ये बात वही लोग बोलते हैं जो लोग मार्क्स ला नहीं पाते। भाई तुम ला के दिखाओ तब। हमको यदि कोई बोलता है कि यार मार्क्स उस क्या मैटर करता है, तो हम बोलेंगे स्टेट टॉप करके दिखाओ, उसके बाद बोलना कि मार्क्स मैटर नहीं करता है। मार्क्स मैटर करता है, ये बात कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, ठीक है। नहीं तो घर में जाके बोलना, जब बगल वाला 90% ले आएगा और तुम 55% ले आएगा, बोलो पाओ मार्क्स थोड़ी मैटर करता है। किसी कंपनी में मान लो 100 आदमी का जॉब के लिए एप्लीकेशन है, लाखों आदमी देता है, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आता है वही लोग को लेता है, ऐसा कहाँ है, ठीक है। यदि मार्क्स मैटर नहीं करता सिर्फ 100 ही आदमी का ले, सबको ले लेता, क्यों मेरिट लिस्ट बनता है, क्यों मेरिट लिस्ट बनता है यदि मार्क्स मैटर नहीं करता। और मार्क्स आता पढ़ने से, मार्क्स आता तैयारी करने से, तैयारी भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है तैयारी भी करना है और सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एनर्जी होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है, यंग डायनेमिक पर्सनालिटी, एनर्जी होना चाहिए तो होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है ना, फाइनल में क्वेश्चन आया था, देखो, डिफाइन डिफाइन वर्क फंक्शन, ये क्या होता है वर्क फंक्शन, इसको डिफाइन करना है। और कुछ कुछ टर्म थे, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपको तीन टॉपिक है, इन तीनों के बारे में आपको फाइनल एग्जाम में लिखने के लिए पूछा गया था। वर्क फंक्शन क्या है, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए आप समझ में आ जाएगा। थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा, ये सब के बारे हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए एक बार और हम तुरंत बता देते हैं 1 मिनट के अंदर सारा कुछ। व्हाट इज योर वर्क फंक्शन, मैं किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना का जरूरत पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम, एकदम धीरे से, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, कितना ज्यादा, ज्यादा के बाद में मिनिमम से मिनिमम कितना एनर्जी दे कि मिनिमम से मिनिमम कितना एनर्जी दे कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाए, देन दैट इज कॉल्ड आवर वर्क फंक्शन। व्हाट इज थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो देखो मेटल सरफेस पे जब लाइट गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो मिनिमम से मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इंसिडेंट लाइट का कि वहां से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चला जाए, तो देन दैट इज कॉल्ड थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो याद कीजिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर ऐसे जो दो इलेक्ट्रोड थे और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल था वो रिटार्डिंग पोटेंशियल था। तो ठीक है, एक ऐसा पोटेंशियल जब या जिस समय एक भी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, निकलता है यहां से निकलता है लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाता एक भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसी पार्टिकुलर पोटेंशियल को बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक स्टॉप मतलब क्या, स्टॉप मतलब रोकना, एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा पोटेंशियल, ठीक है, एकदम बंद कर दो ये सब सारा कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बंद कर दो, ठीक है, ताला लगा दो,
ठीक है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ऐसा पोटेंशियल जब एक भी इलेक्ट्रॉन मतलब इस इलेक्ट्रॉन से उस इलेक्ट्रॉन तक नहीं जाए, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था, देन दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये था आपका 2017 का क्वेश्चन, ठीक है, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं सो बताइए, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। टॉप करना है तो करना है, आप अपना व्यू बताइए कमेंट बॉक्स में हमको, ठीक है, हम आपका क्या मदद कर सकते हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमको बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं आपको, काफी एनर्जी, आपके लाइक्स ही मेरे लिए एनर्जी का सोर्स है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आइए 2016 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग बताइए डायमेंशन नाम सुने हैं, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन यदि नाम सुने होंगे, ठीक है, डायमेंशन नाम जरूर सुने होंगे, देखो ऐसे करके डायमेंशन का ये फोटो मतलब फोटो क्या नोटेशन होता है, और यहाँ पर तीन चीज है M L T, कौन बताएगा इसका मतलब, कौन बताएगा, चलिए M4 बोलते जाइए, वीडियो देख रहे हैं बोलते जाइए, M4 मास, L4 लेंथ और T4 टाइम, ठीक है, ये डायमेंशन का नोटेशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट 2016 में पूछा गया था, तैयारी करना हम लोग को, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं H से, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन देखिए MLT पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन MLT^-2, तीसरा ऑप्शन ML^2^-1, और चौथा ऑप्शन ML^2^-2। इन चारों में से प्लांक्स कांस्टेंट का सही आंसर, सही डायमेंशन क्या होगा, मैं आपकी मदद करने के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं, फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच बाय पी, और हमको चाहिए प्लांक्स कांस्टेंट मतलब एच, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं λ×p = h, लैम्डा है वेव लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, ठीक है, और मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं mv, फॉर्मूला होता है मोमेंटम को होता है mv, तो m फॉर मास, मास का डायमेंशन m, और वेलोसिटी का हो जाएगा lt-1, तो आप इसको एक साथ करके लिख सकते हैं ML^-1, मतलब मोमेंटम का डायमेंशन आपको हो जाएगा ML^-1 इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ h। अब आप बताइए इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा डायमेंशन क्या आ जाएगा, m l और l मल्टीप्लाई होके L^2 एंड T^-1, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ h, ठीक है। तो देखिए L^2 L^2 T^-1, ये हुआ आपका सही आंसर, ठीक है। कैसे आया ये, तो प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया था, ठीक है, और प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया था तो ये आपका चार ऑप्शन था, ठीक है, और देखिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, ठीक है, इन दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखते रहिएगा λ×p = h, दिस इज द वेवलेंथ एंड वेवलेंथ का हो जाता है l, p इज द मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है mv, ठीक है, m फॉर मास का m और वेलोसिटी का L^-1, तो ये हो जाएगा ML^-1, इसको एक साथ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे L ML^-1, तो m l और l मल्टीप्लाई होकर L^2 T^-1, तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 में पूछा था ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, डिराइव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाया है, डिराइव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वहां जाके आप देख सकते हैं इसको, आप जरूर से जरूर समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो डिराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था याद कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए या प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाइएगा तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, डिराइव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है।
तो ये देख लीजिए आप लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे 2015 की ओर, ठीक है 2015 की ओर, कि 2015 में भाई क्या पूछा गया था। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि 2015 में क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 2015 का जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन था जो 2015 में पूछा गया था वो था आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, आप खुद अपने सही आंसर को सोच के रखिएगा, मैं तुरंत आप सभी पूछूंगा कि भाई इसमें से सही आंसर कौन वाला है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। ये देखिए चार ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पे हैं, अब आप हमको बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से कितने के बराबर होते हैं। याद कीजिए ओनली 5 सेकेंड आई विल गिव यू एंड जस्ट टेल मी आंसर, 5, 4, 3, 2, 1 ये है सही आंसर। और यदि आपने सही सोचा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। तो ये आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू हुआ। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, वैसे बच्चे जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 चाहते थे तो आपको बता दूं काफी सारा न्यूमेरिकल्स भी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। तो देखिए क्वेश्चन था फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा गया था कि फाइंड द एनर्जी ऑफ येलो फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। मतलब देखो ये क्वेश्चन था कि एक फोटोन का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, एक फोटोन का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम और आपसे पूछा जा रहा है भाई कि इसका एनर्जी क्या होगा, और जो एनर्जी आएगा उसको आप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालिए। एनर्जी का यूनिट क्या था बाबू, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, फोकस करिएगा यहाँ पे, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, लेकिन हम लोग को आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे बदलेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको तुम आंसर जो भी आएगा तुम्हारा, ठीक है, जूल में आंसर जो भी आएगा तुम्हारा जूल में उसको डिवाइड कर देना 1.6 × 10⁻¹⁹ से, आंसर आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एकदम ध्यान से पकड़िए इस नॉलेज को, क्या बताना चाह रहा हूं, वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻¹⁰ तो 4000 है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 4 × 10³ और एंगस्ट्रॉम का मतलब जाएगा 10⁻¹⁰। तो यहाँ देखो 3 है और यहाँ -10 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻¹⁷ मीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है इतना और E फॉर क्या होता है, एनर्जी। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ दिया हुआ है तो लैम्डा दिया हुआ, याद करो बाबू, चलो याद करो, खुद से याद करो, जिस बच्चों ने सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा है याद करो कैसे बनेगा, एनर्जी निकालना है, वेवलेंथ दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर hc/λ। जिन्होंने ये सोचा था न्यूमेरिकल्स में उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, E बराबर hc/λ। h का वैल्यू 6.6 × 10⁻¹⁴, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, वेवलेंथ आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे कैसे आया, E बराबर hc/λ, h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू भी यहां दिया हुआ है, ठीक है, और लैम्डा हम लोग को क्वेश्चन से पता है। तो जो भी सॉल्यूशन करके आएगा यहाँ पे आंसर, वो आंसर नहीं होगा बिकॉज आंसर इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। तो जो भी यहां से आंसर आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ से, और यहां पर जो आएगा वो वाला हो जाएगा सही आंसर,
यहीं तक छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ होगा सही आंसर जब आंसर को तुम इतना से डिवाइड करोगे तो, बिकॉज हम लोग को पूछ रहा है कि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, जबकि यहाँ तक जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका जूल में आएगा, तो जूल में नहीं पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एनर्जी ऑफ येल्लो फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हुज वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रम, मतलब वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रम, ठीक है, तो 4 × 10⁻³ × 10⁻¹⁰ इतना हो जाएगा, ये लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एनर्जी पूछा जा रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = SC/λ, आंसर जो भी आएगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे तब जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होगा। सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा, मेरे जैसे यहाँ पे स्किप मत कर दीजिएगा, अभी इधर थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप घर में बैठ के जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा, प्रॉमिस कीजिए सॉल्यूशन करिएगा कि नहीं करिएगा, करिएगा अपने लिए, खुद के लिए, खुद के रिजल्ट के लिए, ठीक है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, 2000, ठीक है, 14 में क्या क्वेश्चन आया था, 2014, देखिए 2014 काफी इंटरेस्टिंग है, देखो सब कुछ तुमसे बन जा रहा है, न्यूमेरिकल्स भी बन जा रहा है, थ्योरी भी बन जा रहा है, तुम्हारा अब पढ़ाई का लेवल एक नए स्तर तक जा रहा है, ठीक है, और आपके कमेंट, हम हर एक बच्चा का कमेंट पढ़ते हैं, आप जो भी बच्चे कमेंट करते हैं हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, इसलिए आपको कुछ भी बोलना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों का कमेंट तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं नाम भी मेंशन करके बता देता कि कुछ बच्चों का कमेंट इतना अच्छा रहता है कि मैं पर्सनली बोलूं तो कभी कभी हमको वेट रहता है कि वो इस लेक्चर पे एक्चुअली में क्या बोलना चाहते हैं, तो कुछ बच्चों का कमेंट हमको बहुत अच्छा लगता है, सेल्फिशनेस के आधार पे भी बोल सकते हैं कि हमको थोड़ा बहुत वेट रहता है उन लोगों का कमेंट का, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक्चुअली नाम पर्सनली कैसे ले, बहुत लंबा नाम रहता है, मतलब ऐसे बच्चों का नाम है कि काफी सारे बच्चे एक्चुअली इसमें, ठीक है। तो आज 2014 में क्या क्वेश्चन आया था कि देखो एक है इंटरफेरेंस, एक है आपका डिफ्रेक्शन, ठीक है, और एक है आपका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, और एक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इस चारों इफेक्ट में से लाइट किसमें एज ए पार्टिकल, मतलब लाइट किसमें एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, लाइट इन चारों इफेक्ट में से किसमें एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, तो इसमें भी लाइट एज अ वेव चलता है, इसमें भी एज अ वेव, इसमें भी एज अ वेव, और इसमें सिर्फ एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बताइए ऑनेस्टली इस चैप्टर में इसका नाम सुने कि नहीं सुने, अब आप ही समझिए ना, ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बोलेगा इस यूनिट में, चारों का, इन चारों में से खाली इसी का नाम आप सुने हैं ज्यादा, इन सब कहां इफेक्ट आया था बताइए, तो तुक्का मारने है क्या, यदि आपको ट्रिक चाहिए तो मैं आपको बता दूं यही होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चार इफेक्ट आपको दिए हुए हैं, इन चारों में से आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, तो सही आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक बार और न्यूमेरिकल के साथ हम आते हैं आपके पास, ठीक है। तो 2014 में एक क्वेश्चन और पूछा था, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है, हर एक एक अल्टरनेट ईयर में आपको पूछा जा रहा है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आया था कि एक पार्टिकल का एनर्जी दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, आज का लास्ट न्यूमेरिकल, एकदम ध्यान से कसम खा लीजिए कि न्यूमेरिकल हमसे पहले आप बताइएगा पक्का, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सही रहेगा। एक पार्टिकल का एनर्जी दिया हुआ है एच न्यू, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और उस पार्टिकल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है आपको 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछा जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, गौर कीजिएगा, एक ये लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है। एक पार्टिकल का एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट दिया हुआ है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, सोचिए तो जरा कैसे बनेगा, सोचिए सोचिए जल्दी, थोड़ा जल्दी सोचिए, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपका बनेगा
एच न्यू बराबर फाइव नॉट प्लस ई वी नॉट से, एच न्यू बराबर फाइव नॉट प्लस ई वी नॉट, और इसमें आपको ये वी नॉट निकालना है। ये दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई वी नॉट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2 माइनस 0.8, ठीक है, बराबर ई वी नॉट, ठीक है, इतना ई वी, तो अब मेरे पास आ जाएगा क्या 1.2 ई वी बराबर ई वी नॉट। तो 1.2 ई वी का वैल्यू आप बैठा सकते हैं जूल में, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां लाके डिवाइड कर दीजिए, ये भी आपको हो गया बराबर क्या वी नॉट, कट गया, तो आपका वी नॉट बराबर आ गया 1.2 वोल्ट आंसर। एक बार और रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, पक्का सीख जाइएगा। चलिए क्या बताना चाह रहे थे, सही बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है आपका 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है क्या, एच न्यू बराबर फाइव नॉट प्लस ई वी नॉट। एच न्यू दिया हुआ है कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइव नॉट दिया हुआ है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई वी नॉट, वी नॉट निकालना है, ये इधर लाके माइनस कर दीजिएगा, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1.2 ई वी बराबर ई वी नॉट 1.2, और अभी अभी हम लोग डिस्कस किया ना ई वी का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, ये कट जाएगा पूरा, तो वी नॉट बराबर 1.2 वोल्ट। बताइए सीखे कि नहीं सीखे, सीखे कि नहीं सीखे, सीखे, ठीक है। तो ये था आपका 2014 का क्वेश्चन। अब एक जरूरी सूचना जो कि मैं सभी विद्यार्थियों को देना चाहता हूं, ठीक है, यदि आप सभी कोई इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यदि आपको इंटरेस्ट है, यदि आपको मार्क्स लाना है, यदि आपको जानना है कि 2013, 2012, 2011, 2010 और 2009, ठीक है, ये सब इयर्स में इस यूनिट 7 से कौन क्वेश्चन आया था और कितने मार्क्स में, कौन क्वेश्चन आया था और कितने मार्क्स में, यदि आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि सर हमको तैयारी का पार्ट बी चाहिए या असाइनमेंट का, ठीक है, असाइनमेंट का पार्ट बी चाहिए। यदि आप बोलेंगे तो ही मैं बनाऊंगा, यदि आप इंटरेस्ट के साथ यहां तक यदि पढ़ लिया ना 2009 तक, तो मैं पक्का बता रहा हूं जिस साल आप एग्जाम दीजिएगा ना, इस यूनिट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप ध्यान से पढ़िएगा तो, यदि आप ध्यान से पढ़िएगा, यहां तक पढ़ लेते हैं तो पक्का आपको एक मतलब नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है और कितना पढ़ना है। तो यदि आप चाहते हैं कि 2013, 12, 11, 10, 9 का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको कुछ इसी तरीके से एनर्जेटिक वे में बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए कि यस सर वी नीड द असाइनमेंट पार्ट बी, यदि आप बोलिएगा तो ही मैं बनाऊंगा। उद्देश्य लेके पढ़िए, खुद के अंदर एक जुनून होना चाहिए, कामयाबी एकदम साफ साफ दिखना चाहिए आपको, मूड कुछ मैटर नहीं करता है, नींद आलस कुछ मैटर नहीं करता है, बस हासिल करना है तो हासिल करना है, लक्ष्य को हासिल करना है, लड़ना है नींद से आलस से, और अपना किस्मत खुद लिखना है, जरूर से जरूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, गिरने से मत डरिए, नेवर गिव अप, ठीक है, कोशिश करना मत छोड़िए, ठीक है, यस। और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको पार्ट बी चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बोलिए, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त यार लोगों को बताइए, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। और मैं आप सभी को एक बताना चाहता हूं, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप अपना सहयोग दिखाइए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और इस वैश्विक महामारी में एक बार फिर मैं हमेशा की तरह आपके एवं आपके पूरे परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय।